हाँ देखिए, जो हमने ये जिसको हम ऑर्गेनिक सैनिटाइजर बोल रहे हैं, जो सीयूजी की लैब्स में ये बना हुआ है और हमने काफ़ी एक्सपेरिमेंट्स इस पर कंडक्ट किए हैं और इसके अंदर जो काफ़ी जैसे नेचुरली और जो सिंथेसाइज केमिकल्स हैं, प्लांट्स जो सिंथेसाइज करते हैं उनके अंदर काफ़ी अच्छे फाइटोकेमिकल्स होते हैं जो सरफेस टेंशन लोअर करते हैं, वेटबिलिटी बढ़ाते हैं। तो ये काम जो हमारा चल रहा था हमारे ऑनरेबल वाइस चांसलर प्रोफेसर रमाशंकर दुबे जी के मार्गदर्शन में, उन्होंने काफ़ी इंस्पायर किया, काफ़ी मोटिवेट किया और उन्होंने काफ़ी ऐसे सिचुएशन में किया कि भाई हम नेशन बिल्डिंग में या जो सिचुएशन आज कंट्री में चल रही है, हम सीयूजी भी उसको किस तरह से भागीदारी करता है, कैसे उसमें कंट्रीब्यूट कर पाता है। तो इसके लिए हम जो है वाकई में उनका एक रिमार्केबल मार्गदर्शन है और उनका एक रिमार्केबल इनिशिएटिव है। तो अभी हम ऑनरेबल वाइस चांसलर जी के साथ ही खड़े हुए हैं, इंटरेक्ट कर रहे हैं और इस प्रोडक्ट के बारे में उनको जानकारी ऑलरेडी पहले से थी, लेकिन अभी और कुछ डिटेल में बताया, उन्होंने डिस्कशन भी किया है कि भाई कोर हाइड्रो जो कोर होती है माइसेल्स उसके बीच में पार्टिकल आते हैं। तो अभी हम ऑनरेबल वाइस चांसलर जी के चाहे देखते हैं कि सर के हमारे क्या इसके बारे में ओपिनियन है, क्या कमेंट्स है, किस तरह से ये जो है नेशन बिल्डिंग में सी यू जी ने कदम आगे बढ़ा के अपने को रेस्पॉन्सिबल और अकाउंटेबल महसूस किया है। ऑनरेबल सर, प्लीज सर। ये हमारे सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात में प्रोफेसर मान सिंह जी के नेतृत्व में जो ऑर्गेनिक सैनिटाइजर बनाया गया है, ये काफ़ी मामलों में जो आजकल जो सिंथेटिक हम लोगों के जो इनऑर्गेनिक सैनिटाइजर आ रहे हैं उनकी तुलना में ये बहुत बेहतरीन है। और क्यों है? क्योंकि इसके अंदर जितने प्रोडक्ट हैं फाइटोकेमिकल्स हैं, जो हमारे नेचुरल फ्रूट्स हैं, जैसे हमारे जो वो पिल्ड किया हुआ ऑरेंज है, लेमन जूस है, ये सब जितने मटेरियल्स हैं इसके अंदर में इस तरीके के फाइटोकेमिकल्स होते हैं जो कि वो सर्फेक्टेंट के तरह, काफ़ी फाइटोकेमिकल्स ये सर्फेक्टेंट की तरह से बिहेव करते हैं और उनको जब हम वाटर में डालते हैं तो सरफेस टेंशन कम हो जाता है वाटर का और यही प्रॉपर्टी होती है जिसके चलते इसके अंदर नैनो इमल्शन फॉर्म होता है या इसमें माइसल्स फॉर्म होता है जिसके द्वारा डर्ट पार्टिकल को अपने में ये डिजॉल्व कर लेता है। ये यही किसी भी सैनिटाइजर की विशेषता होती है कि डर्ट पार्टिकल को अपने अंदर में डिजॉल्व कर लेने के लिए। तो हमारे यहाँ जो बायो कंपेटिबल जो मटेरियल्स हैं, फाइटोकेमिकल्स हैं, जिसका जो कि बहुत सस्ता है, नहीं के बराबर उसके ऊपर खर्च है, उसको यदि हम लें और इस तरीके से करें तो इसकी विशेषता होगी कि ये बायो कंपेटिबल होगा, किसी तरीके का नुकसान नहीं करेगा। जबकि जो हमारे इनऑर्गेनिक सैनिटाइजर्स हैं उसे कितने तरह के इनऑर्गेनिक हैजार्ड्स होने के भी संभावनाएं हैं केमिकल से। तो मैं बधाई देना चाहता हूँ प्रोफेसर मान सिंह जी को और इनके ग्रुप को कि आजकल के समय में जबकि हम देख रहे हैं कोरोना वायरस के द्वारा हम कितने प्रोटेक्टिव मेजर ले रहे हैं, प्रिवेंटिव मेजर्स ले रहे हैं ताकि कोरोना वायरस हमारे यहाँ ना आए। तो सबसे बड़ी इसकी विशेषता है ऑर्गेनिक सैनिटाइजर की कि हम बाहर की जो वेजिटेबल्स ले रहे हैं और उसको यदि हम इसके सैनिटाइजर के द्वारा उसको जो हम धोएं उसको वाश करें तो यदि हम कोरोना का भी पार्टिकल लें, वायरस का पार्टिकल जिसके ऊपर स्पाइक्स प्रोटीन्स होता है, उसके बाद उसका लिपिड्स होता है, उसके नीचे न्यूक्लिक एसिड्स होता है, तो ये सारे को डिजॉल्व करने की इसमें प्रॉपर्टी है क्योंकि इसका सरफेस टेंशन जो वाटर का जो सरफेस टेंशन होता है उसकी तुलना में काफ़ी लो हो गया है और इसको इन्होंने सरफेस टेंशन मीटर से मेजर किया है, विस्कोसिटी मीटर से मेजर किया और मेजर करके बिल्कुल साइंटिफिकली ये प्रूव्ड है और डॉक्यूमेंटेड है कि ये बहुत बढ़िया ऑर्गेनिक सैनिटाइजर बना हुआ है। मैं फिर से प्रोफेसर मान सिंह जी को बधाई देता हूँ इसके लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। सर जो अभी आप ये बोल रहे थे वो हमारा सीयूजी का ही सर्विस मीटर है। सीयूजी का ही सर्विस मीटर है कि जो कई बार क्या होता है कि वैल्यूबल प्रोडक्ट्स होते हैं तो हम सैंपल निकालने में ये करने में रिडक्शन ऑक्सीडेशन फोटो कैटलाइटिक एक्टिविटीज इंड्यूस हो जाती हैं, चूंकि ये थोड़ा ये है, लेकिन इसमें सर हमने क्या किया है कि जो रूटीन मेथड्स होते हैं वो नहीं लिया, बल्कि हमने अंदर जिससे एनवायरमेंट का कट ऑफ है सर्विस मीटर के साथ ही मेजर करके कई प्रॉपर्टीज एक साथ की है। तो ये आप क्या सोचते हैं? और इसमें ये बहुत अच्छी बात है कि वो सर्विस मीटर जो है वो प्रोफेसर मान सिंह जी के द्वारा ही डेवलप किया हुआ और ऑलरेडी उसकी मार्केटिंग हो चुकी है, ऑलरेडी मार्केट में अवेलेबल है। तो ये साइंटिफिक इक्विपमेंट्स हम लोग के पास हैं जिसको कि हम प्रॉपर इसको वैलिडेट करके तब इसको हम लोगों ने बाहर किया है कि हाँ ये प्रोडक्ट हमारा प्रॉपरली साइंटिफिकली वैलिडेटेड है। बहुत बहुत थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच सर।